हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम सुबह सुबह का बज गए हैं 7, तो हम अभी बिस्तर को साफ़ सुथरा कर रहे हैं। जैसे झाड़ देंगे इस चादर को, और चादर को हम कल धोएंगे। तो आज थोड़ा लेट हो गया हमको कोई भी काम करने में, तो आज चादर हम नहीं धोएंगे। तो इसे हम अच्छे से झाड़ कर और बिस्तर को हम ठीक कर लेंगे। और घर में झाड़ू दे दिए हैं। तो कितना दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो दोस्तों इसीलिए हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो आज हम वीडियो डाल रहे हैं। तो यहाँ ये चादर को ऐसे हम खोस खोस कर और अच्छे से इसे बिछा लेंगे। और बिछाने के बाद हम जाएंगे खाना की तैयारी में, और हमको भी खाना भी बनाना है। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि घर में जब कोई चीज़ नहीं रहे तो आलू का सब्जी बना लेते हैं। तो आज आलू का ही सब्जी हम बनाएंगे और वो आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। और सरसों का मसाला देकर हम आलू का सब्जी बनाएंगे। तो आलू हम काट लिए थे पहले ही धोकर। तो यहाँ हम देखिए सरसों का मसाला, लहसुन, अदरक और जो मसाला लगता है ये सब हम एक साथ निकाल कर और पीस लेंगे। और ये मिर्ची है, लाल मिर्ची, और ये सब देकर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। और मसाला को पूरा में ही करना है, थोड़ा दरदरा भी नहीं, अच्छा से पीसना है। और मेरा चेहरा देखकर भी लगता होगा आप लोगों को कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। और ये बसंत ऋतु है, तो थोड़ा मौसम चेंज होने से हो जाता है, तो इसीलिए। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। और इधर हम आलू को काट लिए हैं फाक फाक करके, और यहाँ मसाला मेरा पिसा गया था, तो ये मसाला को हम अच्छे से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम ये जार को अच्छे से धो लेंगे, और धोने के बाद हम जाएंगे सब्जी बनाने के लिए। तो धोने के लिए हमको बाहर आना पड़ता है, कोई भी चीज़ हाथ भी धोना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ टाइम कल का पानी अच्छा रहता है, तो हम सारा काम यहीं करते हैं। तो यहाँ हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और जब कढ़ाई मेरा गरम हो जाएगा तो इसमें हम तेल डाल देंगे। जब तेल मेरा गरम हो जाएगा तब हम इसमें आलू को भूजेंगे। और सबसे पहले हम आलू को भूज लेंगे और भूज कर निकाल लेंगे इसे, ताकि इसका कच्चापन हट जाएगा। इसे भूजने से इसका कच्चापन हट जाता है, तो इसका सब्जी में स्वाद आ जाता है। तो आज बस हम बस आलू का ही सब्जी हम बनाएंगे। तो जो भी सब्जी होगा अब हम शाम को बाज़ार जाएंगे तो लाएंगे। तो ये नाश्ते के लिए हमें सब्जी तो सुबह बनाना ही है। तो चलिए यहाँ आलू को हम भूज कर, और ये देखिए मेरा भूजा गया है आलू, इसी तरह निकालना है। तो इसे हम निकाल लेंगे, तब हम इसमें मसाला भूजेंगे। तो सारे आलू को हम निकाल लेंगे और तब हम तेल डालेंगे इसमें। और तेल जब गरम हो जाएगा तब इसमें हम राई का तड़का देंगे। तो यहाँ तेल डाल रहे हैं, और ज़्यादा तेल नहीं देना है, बस थोड़ा ही, क्योंकि आलू भूजा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ तेल गरम हो गया है तो राई डाल दिए हैं, और डालने के बाद यहाँ तेल बहुत गरम हो गया था तो यहाँ हम मसाला डाल दिए हैं। और इसमें आप लोग तो देखे ही हैं कि सारे मसाले हम एक साथ ही पीस लिए हैं। तो यहाँ बस हल्दी और नमक डालना है, और नमक हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे और इसे हम भूजेंगे। और तब हम थोड़ा लाल हो जाएगा, जब तेल छोड़ने लगेगा तब इसमें हम टमाटर देंगे। तो एक बड़ा सा टमाटर था तो उसे हम काट लिए हैं, और यहाँ अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये टमाटर हम डाल देंगे, और अभी टमाटर इतना बड़ा बड़ा और कच्चा और पक्का सब मिलता है। तो और टमाटर अभी सस्ता भी है, तो आदमी बहुत खा रहा है लोग टमाटर हर चीज़ में देकर। तो यहाँ आलू डाल चुके हैं, और इसे आलू डालकर फिर हम 2 मिनट भूजेंगे। तो ये सब्जी आप बना कर खाइएगा, इतना अच्छा लगता है ये सरसों का मसाला देकर, ये सब्जी एकदम मछली के जैसा लगता है। तो देखिए मेरा
सब्जी भुजा गया है, कितना सुंदर लाल हो गया है। तो अब इसमें हम पानी देंगे क्योंकि हमको थोड़ा झोल चाहिए, क्योंकि बिना झोल के बच्चा लोग नहीं खा पाता है लोग, तो उन लोगों को झोल लगता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा पानी देकर और इसे 5 से 7 मिनट हम उबलने देंगे, जो थोड़ा बहुत आलू कच्चा है वो पक जाए। तो ये पक जाएगा तब तक हम यहाँ चावल निकाल लेते हैं। और आज हम चावल बहुत कम ही बनाएंगे क्योंकि हम लोग 3 ही जन हैं और इसका पापा तो चला गया है काम में। तो यहाँ हम चावल धो रहे हैं, तो टाइम कल का पानी में देखे कि बहुत सारा फूल गिर गया था। अभी हवा चल रहा है तो बहुत फूल गिर रहा है, तो इसे हम यहाँ नल से ही धो लेंगे। तो यहाँ चावल हम धोकर और अच्छे से धो लेंगे। और धूप देखिए कितना सुंदर निकला हुआ है, आज दिन बहुत अच्छा है। और चावल हम धो लिए हैं, तो ये चावल धोने के बाद यहाँ अंजात से पानी डाल लेंगे चावल में। और हंडी में ही हम तो चावल बनाते हैं, आप लोग तो देखे ही हैं। तो यहाँ चावल चढ़ा देंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों, बाय बाय।